क्या आपने कभी काले आलू के बारे सुना है? काले रंग के टमाटर देखे हैं? अगर नहीं तो चलिए आपको लेकर चलते कौशल भाई पटले के फार्म में, जहां वो अपनी अलग अलग किस्म की खेती की वजह से सुर्खियों में छाए हुए हैं। 3.5 एकड़ जमीन में उन्होंने काले आलू की खेती की है और ऐसे ही रंग बिरंगे टमाटर के साथ साथ अन्य सब्जियों की भी। खास बात है कि सब्जी की नई तकनीक में वो किसी भी तरह के केमिकल का प्रयोग नहीं करते। अलग अलग राज्यों से वो सब्जियों के इन खास बीजों को मंगाते हैं और फिर उनकी खेती करते हैं। मेरा नाम कौशल पटेल है। मैंने वडोदरा जिले के कोयली गांव में काले आलू और काले टमाटर की खेती की है। काले टमाटर की खेती जो सामान्य आलू होता है उसी तरह से खेती होती है, लेकिन उसके बीज अलग होते हैं और उसके गुण अलग होते हैं। उत्पादन उसका अपनी खेती के ऊपर निर्भर है। जैसे सामान्य आलू उत्पादन देते हैं उसी तरह वह उत्पादन देते हैं। मैंने करीबन 100 किलो बीज का इस्तेमाल किया था और मेरे अंदाज से 400 से 500 किलो आलू का उत्पादन होगा, ऐसा मेरा मानना है। काले जो आलू है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट एंथ्रोसाइनिन बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिसे वह डायबिटीज, बीपी और कैंसर के मरीजों के लिए उसे उत्तम माना जाता है। उसी तरह जो काले आलू काले टमाटर है वह भी बहुत गुणकारी होते हैं। उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत मात्रा में होता है, कैरोटीनॉइड उसके अंदर होता है जो कि लीवर के रोगों में और कैंसर इत्यादि सभी रोगों में लाभकारी होता है। काला टमाटर के बीज भी मेरे पास कुछ ही मात्रा में थे, इसीलिए मेरे पास उसके करीबन 40-50 पौधे हैं, तो उसके हिसाब से अंदाज से 40-50 किलो जितना उसका उत्पादन होगा, जिसको मैं अगले साल के लिए उसके बीज का भी खुद से निर्माण करके उपयोग करूंगा। तो ये सब देशी बीज है और इसके माध्यम से खेती करने से खेत के अंदर जो जीवात है, पेस्ट है, उसका अटैक बहुत कम होता है। तो इसीलिए और ये स्वास्थ्य के लिए खूब लाभकारी है, इसीलिए मैं ऐसी थोड़ी अलग वैरायटी जो बायोडायवर्सिटी है उसकी खेती करता हूँ। वडोदरा के कौशल भाई पटेल फूड एंड ड्रग्स विभाग में जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के रूप में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन खेती के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने अपने गांव कोयली में करीब 1 एकड़ जमीन पर 2 साल पहले खेती करनी भी शुरू की थी और अब धीरे धीरे करके वो अपने इस शौक को और बड़े स्तर पर बढ़ाते जा रहे हैं। आज उनके इस फार्म को गौ भारत ऑर्गेनिक फार्म के नाम से जाना जाता है, जो खेती कैसे की जाती है इसकी जानकारी भी देता है। वडोदरा से निधि दवे की रिपोर्ट।